कभी रोते कभी हंसते, चिट्ठियों का आना जाना रोज रोज होता रहा, हम दोनों भरते थे डाकिये के बस्ते। प्रेम का जो ऐसा परिणाम हमें होता ज्ञात, कभी भी ना हम ऐसे झंझटों में फंसते। और 5 साल बाद जब मिली मैं बाजार में, तो लल्ला से कही के करो मामा से नमस्ते। इसी खानदान की एक और सुन लो, जिसमें मेरा राष्ट्रीय अपमान हुआ है। एक बार भूल से ही प्यार कर बैठे हम, बालकों जो नसीहत दे रहा हूं, क्योंकि शिक्षक है ऐसी मोहल्ले के, तो बिगाड़ेंगे थोड़े ही अनाज की तरह आप। एक बार भूल से ही प्यार कर बैठे हम, मेरी महबूबा मुझसे एक पान ले गई। 4 दिन बाद आई, बैठ गई बगल में, पान खाते खाते पूरा पानदान ले गई। गुरुजी सुनना, जाने कैसे जान गई, पागल है आदमी ये। 1 लाख का उधार सामान ले गई और प्यार वाला भूत का उतरा दिमाग से, धीरे धीरे वो मेरी पूरी दुकान ले गई। ये टैलेंटेड, इसलिए केवल दो मुखर छोटे पड़ रहा हूँ। गौरव भाई ठीक कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई। वो इसी खानदान के हैं। बाल को सुनना, मोहब्बत में जो परिणाम आते हुए बड़े खतरनाक होती है। सत्य जी देखिए, मेरी ईमानदारी देखना, जो परिणाम आया वो देखना। हमने कहा कि तू है दीपक भैया, आस पास मेरे एहसास कराने लगती है, आम कहीं बोराया है ये मुझे बताने लगती है। और वो बोली, मेरे आने का कैसे पता लगाते हो बाल को, केवल 8 पंक्ति बर्दाश्त कर लो। वो बोली, मेरे आने का कैसे पता लगाते हो, मैं बोला तेरे आने से खुशबू आने लगी। भाई साहब, अब जो मेरा सम्मान हुआ वो सुनना, अंतिम पंक्ति हंगामा करते ना माल ठीक हो तो। अब हमने जानना चाह हमारी इज्जत कितनी है। उत्तर आया कि तेरी आहट सुनते ही हम आहत होने लगते हैं, और गनेरी पीड़ा अपने सर पे ढोने लगते हैं। मैं बोला, मेरे आने का कैसे पता लगाती हो, वो बोली, तेरे आने से कुत्ते रोने लगते हैं।